इंडिया सीमेंट के नतीजे आए हैं और उसके बाद में देख रहे हैं स्टॉक प्राइस पे बहुत तगड़ा रिटर्न मिल रहा है, 3% इससे में ऊपर है क्योंकि बॉटम लाइन फ्रंट पे काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो कंपनी ने शो की है। और वैसे भी सीमेंट स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में काफी एक्टिविटी देखने को मिल रही थी, अब 147 के लेवल पे। और नतीजों की बात करें तो लगभग 34 करोड़ के आसपास की जो फिगर है वो कंपनी ने 35 करोड़ बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाई बेसिस पे क्वार्टर थ्री में देखने को मिल रही है। फिलहाल 3% के तगड़े रिटर्न इस स्टॉक में डिलीवर हो रहे हैं और रेवेन्यू फ्रंट पे भी 19% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन मुद्दा है कि वायदा कारोबार कौन से स्टॉक से जो अब चल सकते हैं, डिम्पी बताएं, इनफैक्ट बैक टू बैक शेयर बताएं, 3 शेयर जहां पर आपको लगता है कि तेजी बन सकते हैं। एक शेयर आपको IFCI जरूर ध्यान रखना चाहिए, बजट ओरिएंटेड शेयर है। असल में देखिए सरकार इस बार सरकारी कंपनियों के रीस्ट्रक्चरिंग पर भी ज्यादा ध्यान देगी और IFCI वैसे अब तो आप ये भी समझा जाएगा जो लेंडिंग करेगी वो ज्यादा डूबेगी नहीं क्योंकि सरकार ने नॉर्म्स ही कुछ इस तरीके क्रिएट कर दिए हैं और NSE की लिस्टिंग भी ड्यू है। तो 2-3 बड़े ट्रिगर्स ड्यू हैं जिसकी वजह से IFCI एक बड़ा कैंडिडेट बनता है इस बार के बजट के लिहाज से। अभी एक 29 रुपये के आसपास चल रहा है लेकिन टारगेट्स इसमें अच्छे मिल रहे हैं, आप इसमें भी एक बार निवेश कर सकते हैं। दूसरा होगा RAC, जैसे हमने आपको शुरुआत में भी कहा कि 2019 तक सरकार का अपना खुद का लक्ष्य है कि वो अब बिजली सबको दे दे और घर घर में बिजली होनी चाहिए, तो सरकार ने इस सेक्टर के लिए एक बड़ा एलोकेशन कर सकती है। अभी हम इंफ्रा के बारे में आपको बता रहे थे तो विद्युतीकरण पर कम से कम 20% का एलोकेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। RAC का कोर काम ही यही है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली को पहुंचाना है, तो इसका बड़ा बेनिफिशियरी ये हो सकता है। अभी शेयर 3% ऊपर चल रहा है, इस शेयर के अंदर बड़े टारगेट मिल सकते हैं। वैल्यूएशन को लेकर चिंता नहीं है क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पहले से ही अच्छा है और भी चल सकता है। एक और सेगमेंट है सरकार जो गति देना चाहती है वो कमर्शियल व्हीकल्स को इस बार दे सकती है। असल में नोटबंदी के बाद जो इकोनॉमी में थोड़ा बहुत स्लो डाउन की चिंता थी, सरकार ये चाहेगी कि कमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट में कुछ ना कुछ रिलीफ देके और थोड़ी सी गति पहुंचाई जाए क्योंकि ऑटो कंपोनेंट रियल एस्टेट के बाद सबसे ज्यादा इनकम जनरेट करने वाला और ग्रोथ देने वाला सेगमेंट माना जाता है। तो उसमें भी आप कमर्शियल व्हीकल में लाइट कमर्शियल व्हीकल इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गैस से जुड़े हुए प्रोडक्ट काफी फेमस है और अशोक लेलैंड इसमें एक है। इस शेयर पर आप नजर रखें, वैसे भी 5% ऊपर है और BS4 नॉर्म्स के तहत भी इनको वॉल्यूम में एक अच्छी बढ़त मिलने की उम्मीद है, तो इस शेयर पे भी नजर रखी जा सकती है। अशोक लेलैंड जिस रेट पे चल रहा है वहां से करीब 100 रुपए तक आ सकता है। चलिए कुछ बजट की घोषणा जहां पर हो सकती है, उसमें IGL प्रोमिनेंट है, इसमें भी गैस और इनलैंड वाटर वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन भी सरकार बढ़ावा देना चाहती है, 25% ट्रांसपोर्टेशन रूट इन दोनों सेगमेंट से करना चाहती है। तो गैस ट्रांसपोर्टेशन को अगर बढ़ावा मिलता है तो IGL के लिए पॉजिटिव, और वैसे भी आज जो खबर आई थी उसके दम पे तो IGL चल ही रहा है। इस स्टॉक पे भी फोकस रखा जा सकता है, बजट से पहले काफी स्ट्रांगली ग्रिप में आया, ये तेजी भी और बढ़ सकती है। और साथ साथ लेदर इंडस्ट्री और ये जो लेबर इंटेंसिव तकनीक वाली जो इंडस्ट्रीज हैं इनको बहुत बड़ी राहत मिल सकती है, जिसमें बाटा एक स्टॉक है जो डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है, निश्चित रूप से खरीदारी बनी है, अभी अगले हफ्ते और तेज हो सकता है, इस पर भी ट्रेडर्स का फोकस है, इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। और एक स्टॉक है इंडिया सीमेंट ऑब्वियसली, जिसके नतीजे आए, नतीजे दमदार हैं और वैसे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट हाउसिंग को अगर बूस्टर डोज मिला तो उसका सीधा इनडायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो सीमेंट पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें इंडिया सीमेंट, ACC दो प्रोमिनेंटली कंपनी, अंबुजा सीमेंट इनफैक्ट, इन सभी कंपनियों में निश्चित रूप से खरीदारी बनेगी, लेकिन इंडिया सीमेंट प्रोमिनेंटली, इसकी वैल्यूएशन और रिजल्ट बेहतर है, इस पर नजर रखी जा सकती है। तो कह सकते हैं जो हमने ट्रेड्स बताए हो सकता है कि इनकी परफॉर्मेंस देखने को मिले बेहतर और ये पोर्टफोलियो का अगर हिस्सा होंगे तो अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कुछ ज्यादातर ऐसी कंपनीज है जो आपको अच्छा रिटर्न दे ही सकते हैं और वैसे भी हमने जो 17 शेयर आपको बताए थे उसका भी करीब 80% का रिटर्न है, तो एक्सपेक्ट करिए कम से कम 5-8% पर शेयर भी आपको रिटर्न मिल जाए तो ये बुरा सौदा नहीं है। जो 12 के 12 शेयर हमने आपके सामने रखे हैं विद रीजनिंग।